करेरा नगर में गहुई भवन बस स्टैंड पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गहुई महिला मंडल की नव निर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती श्वेता नगरिया के नेतृत्व में वरिष्ठ महिलाओं का सम्मान एवं खेल कविता आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सबसे पहले मां सरस्वती और दद्दा मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। सभी अतिथियों को मंचासीन कराया गया। अतिथियों में ओम शांति आश्रम से आई बहनों ब्रह्म कुमारी, निधि बहन, कविता बहन, कृष्णा बहन, वरिष्ठ महिलाओं में किरण बिलैया, माधुरी तीर्थविलासी, कमला कोठारी, पूर्व अध्यक्ष गहुई समाज मनीषा नौकरैया, लक्ष्मी कसाब, ज्योति रोसिया और रचना सेठ आदि उपस्थित थी। अतिथि कमला कोठारी ने कहा कि नई नवेली दुल्हन को सशक्तिकरण दिखाने की जरूरत नहीं। नर और नारी दो शब्द हैं। नर में कोई मात्रा नहीं है जबकि नारी में दो मात्राएं हैं, इसलिए नारी नर पर भारी है। जैसे कि रामचंद्र जी सीता पर भारी थी। महिलाओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केक काटकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। अंताक्षरी प्रतियोगिता, भाषण नंदिनी, तीतबिलासी चुटकुला, संगीता कनकनी, गीता सोनिका गेम्स प्रीति अमर के द्वारा संचालित किए गए। इस दौरान कई प्रतियोगिता आयोजित की गई। मंच का संचालन रुचि नीखरा, आभार गहुई वैश्य समाज अध्यक्ष श्वेता नगरिया के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती रामसखी बेडर, वंदना नीखरा, कल्पना कोठारी, सोनिका कल्पना कोठारी और दो सैकड़ा महिलाएं उपस्थित थी। अपने घर तक, अपने परिवार तक, अपने दरवाजे तक, अपने गली मोहल्ले तक। आप लोग अभी क्या है, जैसे धर्मशाला में आई हो, समाज के कानून में आई हो, अब आपकी शक्ति कहाँ आएगी निकल करके समाज के अंदर। ये नई नई बहुएं आएंगे ना, अब इनकी शक्ति भी दिखेगी कि ये क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, किस तरह से सबका सम्मान करेंगी, किस तरह से आदर करेंगी। और नर और नारी दो शब्द अपने साहित्य में, दो शब्द नर और नारी, लेकिन नर में कोई मात्रा नहीं है, नर में कोई मात्रा नहीं है, नारी में दो मात्राएं हैं, इसलिए नारी नर से भारी है। बना रहे आप थोड़ा सा हमसे बोलेंगे, आप लोग उसको सुनेंगे। रुचि जी हम आपको सुनते हैं, आप हमें सुनेंगे। जीती जागती एक इंसान हूँ मैं, जीती जागती एक इंसान हूँ मैं, ममता करुणा से दिल है मेरा भरा, त्याग और समर्पण की पहचान हूँ मैं। ना जाने कितने सपने बसे मेरी आंखों में, ना जाने कितने सपने बसे मेरी आंखों में, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। ये एक महिला अपने आप से सवाल कर रही है। कुछ लोगों को भ्रम है कि महिला को सशक्त कराना पड़ता है, कुछ लोगों को भ्रम है कि महिलाओं को सशक्त कराना पड़ता है, लेकिन नहीं, महिलाओं को सशक्त नहीं कराना पड़ता, महिलाएं सशक्त हैं, महिलाएं सशक्त हैं, लेकिन कभी कभी डर लगता है, डर लगता है कभी कभी जब हम देखते हैं कि निर्भया कांड में अपराधियों को 7 साल में सजा मिली है, डर लगता है, डर लगता है जब एक मासूम बच्ची अपने भाई की पढ़ाई के लिए खुद पिता के साथ खेतों में जाकर काम कर रही है और अपनी शिक्षा वो नहीं ले पा रही है। डर लगता है, डर उस समय लगता है जब एक अजन्मी बच्ची फोक में अपनी माँ से अपने जन्म के लिए गुहार लगाती है, डर तब लगता है। लेकिन इतनी निराशाओं के बाद भी कहीं कोई आशा होती है। जब मान्या सिंह मिस वर्ल्ड मिस इंडिया के खिताब को जीतती है,